हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो गाइस, आज तारीख हो चुकी है 5 जुलाई 2023 और हर रोज की तरह हमारे सामने आज भी आईपीएल 2024 को लेकर, इसके साथ ही आईपीएल की सभी 10 की 10 टीमों के रिगार्डिंग और भारतीय टीम एशिया कप वर्ल्ड कप के रिगार्डिंग भी दिन भर की जितनी भी बड़ी और इंपॉर्टेंट अपडेट्स निकल कर आई है उन सभी को लेकर हम आपके सामने आ चुके हैं। तो वीडियो हमेशा की तरह काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है और आप लोगों को इस वीडियो को देखना है बिल्कुल लास्ट तक। लेकिन इससे पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूँ, अगर आप लोग हमारे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाइए जिससे हमारी वीडियोस के अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो गाइस, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारे आज के दिन की। सबसे पहली अपडेट निकल कर आ रही है मोहम्मद आमिर के रिगार्डिंग, जहां पर हमने आपको आज से एक दो दिन पहले बताया था कि मोहम्मद आमिर अब जो अपनी यूके की सिटीजनशिप है उसके लिए अप्लाई कर चुके हैं और अगले साल यानी कि 2024 तक इनकी सिटीजनशिप जो है वो अप्रूव भी हो जाएगी। और ऐसे में अब रिपोर्टेडली मोहम्मद आमिर ने अपने नाम को आईपीएल 2024 के ऑक्शन में देने का डिसीजन ले लिया है। ना सिर्फ इन्होंने अपना नाम ऑक्शन में दे दिया है बल्कि कुछ आईपीएल की टीमें जैसे कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर तो इनको ऑलरेडी टारगेट भी कर रही है। दरअसल हम देखते आए हैं कि आरसीबी की टीम जनरली हमें ऐसे नामों के पीछे काफी ज्यादा भागते हुए नजर आती है जिनके ऊपर काफी ज्यादा हाइप क्रिएट होती है। तो क्योंकि अगर मोहम्मद आमिर आईपीएल में पहले साल खेलने के लिए आते हैं तो ऑब्वियस सी बात है इतने सालों के बाद पाकिस्तान से आने वाले वो पहले प्लेयर बनेंगे और वैसे भी पाकिस्तान के गेंदबाजों की काफी ज्यादा हाइप रहती है। तो इसी चक्कर में आरसीबी की टीम ऑलरेडी इनमें काफी ज्यादा इंटरेस्ट दिखा रही है। फिलहाल गाइस, हम चलते हैं हमारे आज के दिन की अगली अपडेट, और ये अपडेट निकल कर आ रही है भारत के नए चीफ सेलेक्टर के रिगार्डिंग, जहां पर से कुछ दिन पहले हमने आपको अपने टेलीग्राम चैनल और उसके साथ ही इवन यूट्यूब पर भी बताया था कि किस तरीके से भारत की टीम अपने नए चीफ सेलेक्टर के तौर पर अजीत अगरकर को अपॉइंट करने वाली थी। और कल हमें इस चीज़ की ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी होते हुए देखने को मिल चुकी है, जहां पर अजीत अगरकर भारत की सिलेक्शन कमेटी के नए चीफ बन चुके हैं। तो एक बार फिर से हमने आपको जो इन्फॉर्मेशन पहले ही प्रोवाइड कर दी थी वो एक बार फिर से सही हो चुकी है। तो आप लोग इसी तरीके की अपडेट्स के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं क्योंकि वहां पर इस तरीके की अपडेट्स आप लोगों को सबसे पहले देखने को मिल जाती हैं। फिलहाल गाइस, हम चलते हैं हमारे आज के दिन की अगली अपडेट, और ये हमें काफी ज्यादा अजीब चीज देखने को मिली है बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की साइड से, जहां पर बांग्लादेश ने इस साल अपने प्लेयर्स को आईपीएल में खेलने से मना कर दिया था। उन्होंने एनओसी प्रोवाइड नहीं की थी और उसके चक्कर में बांग्लादेश के जो भी प्लेयर आईपीएल खेलने के लिए आते हैं जैसे कि शाकिब अल हसन, इनके साथ ही लिटन दास और उनके साथ ही तस्किन अहमद, ये सारे जो प्लेयर्स थे वो आईपीएल खेलने के लिए नहीं आए थे। लेकिन एक ऐसा प्लेयर था जो कि आईपीएल खेलने आए थे और उनका नाम था मुस्तफिजुर रहमान। तो ऐसे में बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने जो प्लेयर खेलने के लिए नहीं आए थे यानी कि शाकिब अल हसन, तस्किन अहमद और उनके साथ ही लिटन दास को 70 लाख रुपए दिए हैं। अब ये काफी अजीब चीज है क्योंकि अगर आपको एनओसी नहीं देना था तो फिर आप सीधे भी नहीं दे सकते थे, लेकिन ये ऐसा लग रहा है देखने से कि मानो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड काफी ज्यादा खुश है कि ये सभी प्लेयर्स आईपीएल में नहीं गए। तो ऐसे में इनका जो बिहेवियर है वो हमें बिल्कुल भी प्रोफेशनल देखने को नहीं मिला, और उसके साथ ही आईपीएल से जो इनकी जेलसी है बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की क्योंकि इनके ज्यादा प्लेयर्स को पिक नहीं किया जाता है वो भी हमें देखने को मिली। फिलहाल हम चलते हैं हमारे आज के दिन की अगली अपडेट जो कि निकल कर आ रही है भारत और पाकिस्तान के बीच में जो एशिया कप में हम सभी लोगों को मुकाबले देखने को मिलने वाले हैं उनके रिगार्डिंग, क्योंकि भारत और पाकिस्तान में अगर हम बात करें पाकिस्तान में वेन्यूज़ की तो वो तो नाम मात्र के मुकाबले ही होने वाले हैं पाकिस्तान में, और पाकिस्तान की टीम सिर्फ नेपाल के खिलाफ ही अपने होम वेन्यू पर मुकाबले खेल पाएगी, जिसका मतलब है बाकी सारे भारत और पाकिस्तान दोनों ही टीमों के मुकाबले हमें श्रीलंका में होते हुए देखने को मिलेंगे। तो ऐसे में एशिया कप में भारत और पाकिस्तान का जो सबसे पहला मुकाबला होने वाला है उसका अब जो वेन्यू है वो भी डिक्लेयर किया जा चुका है, और रिपोर्टेडली श्रीलंका का जो डाम्बुला स्टेडियम है यहाँ पर भारत और पाकिस्तान की टीमें आप लोगों को अपना एशिया कप का सबसे पहला मुकाबला खेलते हुए नजर आने वाली हैं। इस चीज़ को लेकर जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है वो वैसे भी काफ़ी ज़्यादा गुस्से में चल रहा है क्योंकि उनका मानना था कि उनसे एक तो एशिया कप की मेज़बानी छीन ली गई है, और अगर उनको मेज़बानी दी भी गई है तो वो भी सिर्फ नेपाल वाले मुकाबले में दी गई है, वो चाहते थे कि भारत वाले मुकाबले पाकिस्तान में कंडक्ट करवाए जाएँ। खैर, अब वो तो नहीं होने वाला क्योंकि अब इनको श्रीलंका के डाम्बुला स्टेडियम में ही भारत के खिलाफ मुकाबला खेलना पड़ेगा। फिलहाल गाइस, हम चलते हैं हमारी आज के दिन की अगली अपडेट, और ये अपडेट निकल कर आ रही है एबी डिविलियर्स के रिगार्डिंग, जहाँ पर एबी डिविलियर्स को लेकर काफ़ी सारे क्रिकेट के जो फैंस हैं स्पेशली जो उनके इंडियन फैंस हैं वो चाहते हैं कि एबी डिविलियर्स में अभी काफ़ी सारी क्रिकेट बाकी है और वो आईपीएल में रिटर्न कर लें। तो अपने रिटर्न के बारे में एबी डिविलियर्स ने अब खुद एक काफ़ी बड़ी स्टेटमेंट दी है, जहां पर एबीडी ने बताया कि काफ़ी सारे लोग उनको वैसे तो आईपीएल में देखना चाहते हैं और वो खुद भी चाहते हैं कि वो आईपीएल में अपना रिटर्न करें, लेकिन जब उन्होंने रिटायरमेंट लिया था वो उनकी ज़िंदगी का एक ऐसा मोमेंट था जहां पर एबी डिविलियर्स ने ये डिसाइड कर लिया था कि अब वो उनके अंदर वैसी फायर नहीं रही जैसे कि पहले रहा करती थी। एबीडी ने कहा कि मैं ऐसा प्लेयर हूँ कि जब भी मैं खेलने के लिए उतरता हूँ तो मैं ऐसे पूरी दुनिया में बेस्ट प्लेयर के तौर पर खेलना चाहता हूँ, लेकिन अभी भी अगर मैं खेलने उतरूँ तो हो सकता है कि हेयर एंड देयर एक दो काफ़ी अच्छे नॉक्स में खेल लूँ, लेकिन अपने अंदर से मुझे वो चीज़ देखने को नहीं मिलती है कि मैं अभी भी दुनिया का बेस्ट प्लेयर हूँ। उनके हिसाब से अगर वो खेलने के लिए आते हैं तो वो अभी भी शुभमन गिल, सूर्य कुमार यादव या फिर विराट कोहली जैसे लेवल पर खेलना चाहते हैं, लेकिन क्योंकि उनके अंदर से वो चीज़ नहीं आ रही है तो ऐसे में इसी चक्कर में उन्होंने क्रिकेट से रिटायरमेंट ले लिया था। तो इस तरीके से एबी डिविलियर्स ने बताया है कि एज अ प्लेयर तो आईपीएल में जो उनका रिटर्न है वो काफ़ी
ज्यादा मुश्किल है। फिलहाल गाइस हम चलते हैं हमारी आज के दिन की अगली अपडेट, और ये अपडेट निकल कर आ रही है रोहित शर्मा और उनके साथ ही विराट कोहली के फ्यूचर के रिगार्डिंग, जहां पर रोहित और विराट के T20 परफॉर्मेंस के लिए उनको काफी ज्यादा ट्रॉल किया गया था। हालांकि विराट तो लास्ट के दो T20 वर्ल्ड कप में भारत के हाईएस्ट स्कोरर भी हैं, लेकिन इसके बावजूद भी काफी सारे लोगों का मानना है कि विराट और रोहित को टीम से हटाकर अब यंग प्लेयर्स को भारत की टीम में शामिल किया जाना चाहिए। और अब रिपोर्टेडली क्योंकि अब नए चीफ सेलेक्टर बन चुके हैं अजीत अगरकर, तो अजीत अगरकर की अगुवाई में जो ये सिलेक्शन कमेटी रहने वाली है, ये रोहित शर्मा और विराट कोहली के फ्यूचर का डिसीजन आपको जल्दी ही लेते हुए नजर आने वाली है। इवन आने वाले 1 से 2 हफ्तों में जो सिलेक्शन कमेटी है वो अपनी एक मीटिंग रखेगी, उसमें रोहित शर्मा और विराट कोहली के T20 में फ्यूचर के बारे में बातचीत की जाएगी कि 2023 का जो वर्ल्ड कप आने वाला है उस वर्ल्ड कप के बाद रोहित शर्मा और विराट कोहली को शायद फोर्स किया जाए कि वो T20 से रिटायरमेंट ले लें, क्योंकि अब T20 फॉर्मेट में नए प्लेयर्स को शामिल किया जाएगा, तो सिर्फ वनडे और उसके साथ ही टेस्ट फॉर्मेट में ही रोहित और विराट को चांस दिए जाएंगे। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप लोग बताना क्या आप लोगों के हिसाब से रोहित शर्मा और विराट कोहली को इस साल के वर्ल्ड कप के बाद T20 फॉर्मेट से बाहर कर देना चाहिए या फिर नहीं। फिलहाल गाइस हम चलते हैं हमारी आज के दिन की अगली अपडेट, और ये अपडेट निकल कर आई है IPL 2023 के टोटल रेवेन्यू जनरेशन के रिगार्डिंग, जहां पर इस साल का IPL आज तक की IPL की हिस्ट्री में सबसे ज्यादा सक्सेसफुल IPL में से हमें एक देखने को मिला था। आप लोगों को अगर याद हो तो इस साल के IPL में काफी सारे मुकाबले आखिरी गेंद पर गए थे, उसकी वजह से जो व्यूअर्स हैं वो भी काफी ज्यादा एंगेज रहे थे। तो ऐसे में इस साल का जो रेवेन्यू कलेक्शन है BCCI का, वो पूरा का पूरा रिवील कर दिया गया है, और इस साल IPL 2023 से 10,120 करोड़ रुपए जनरेट किए गए हैं, जो कि आज तक IPL की हिस्ट्री में सबसे ज्यादा पैसे जनरेटेड हैं। तो इससे ये बात प्रूव होती है कि IPL हर साल अपने ही पुराने रिकॉर्ड को तोड़ता जा रहा है, और आने वाले टाइम में भी IPL हमें इसी तरीके से काफी ज्यादा पैसे जनरेट करता हुआ नजर आने वाला है। फिलहाल गाइस हम चलते हैं हमारे आज के दिन की 8वीं और आखिरी अपडेट, जो कि निकल कर आ रही है रवि शास्त्री के रिगार्डिंग, जहां पर रवि शास्त्री जो कि भारत की टीम के पूर्व कोच हैं, इन्होंने अब बताया है कि टेस्ट फॉर्मेट में रविचंद्रन अश्विन को भारत का नया कैप्टन बनाया जाना चाहिए। रवि शास्त्री ने कहा कि अश्विन का अगर आप लोग परफॉर्मेंस उठाकर देखें, खासकर अगर हम टेस्ट क्रिकेट में बात करें, तो इन्होंने भारत को जितने मुकाबले लास्ट के 10 सालों में जिताए हैं शायद ही किसी प्लेयर ने जिताए होंगे। तो ऐसे में इनके हिसाब से जितने भी डिजर्विंग प्लेयर्स हैं, जैसे कि विराट कोहली और रोहित शर्मा, अजिंक्य रहाणे, सारे के सारे प्लेयर्स कैप्टनसी कर चुके हैं। इनके अलावा जो बाकी के प्लेयर्स हैं जैसे कि जडेजा, ये भी आने वाले टाइम में इनको मौका दिया जाएगा, लेकिन करियर को देखते हुए और उम्र को देखते हुए, क्योंकि रविचंद्रन अश्विन भी अब ज्यादा साल क्रिकेट नहीं खेलेंगे, तो इनके हिसाब से आउट ऑफ रिस्पेक्ट रविचंद्रन अश्विन को भारत की टेस्ट टीम की कप्तानी एक बार जरूर देनी चाहिए। रवि शास्त्री के हिसाब से रविचंद्रन अश्विन का जो माइंड है वो भी काफी ज्यादा शार्प है। वैसे भी काफी सारे जो कंट्रीज के प्लेयर्स हैं वो रविचंद्रन अश्विन की काफी ज्यादा तारीफ करते हैं कि उनका दिमाग काफी ज्यादा शार्प है। तो ऐसे में इनके हिसाब से रविचंद्रन अश्विन को भी टेस्ट फॉर्मेट में भारत की टीम की रिटायरमेंट से पहले एक बार कप्तानी का मौका उनको जरूर देना चाहिए। तो गाइस ये वीडियो ही तक थी, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करके हमारे चैनल को जरूर कीजिए सब्सक्राइब।